नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 10,000 रुपए की सिगरेट और सामान्य सा स्मार्टफोन 1,00,000 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आलीशान काम बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, मगर हम आपको बता दें कि आजकल ऐसा जेलों में भी होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के भौंसी जेल की, जहां पर अपराधियों को ड्रग्स पहुंचाने वाला डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ा भी गया, जिसके घर में छापामारी की गई थी, जहां से 250 ग्राम चरस और 11 सिम कार्ड बरामद किए गए। ये बात कुछ दिन पहले की है। गुरुग्राम की भौंसी जेल में बंद अपराधियों को मोबाइल, सिम कार्ड और ड्रग्स की सप्लाई करने वाले जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर सिंह चौटाला, सहायक पुलिस आयुक्त सोहना व अपराध शाखा सेक्टर 29 की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उसी समय ड्रग्स की सप्लाई करने आए रवि उर्फ गोल्डी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने दोनों से 4G नेटवर्क के 11 सिम कार्ड और 230 ग्राम चरस भी बरामद की थी। इन लोगों ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल भी किया कि एक अपराधियों से एक सिम कार्ड देने की एवज में वे मोटी रकम वसूलते थे। चर्स को वह लाखों रुपए में जेल के अंदर बंद कैदियों को बेचता था। लेकिन मामला पूरी तरह से यही नहीं थमा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जेल जाने के बाद उसका बेटा सामने आया, जो इस समय गिरफ्तार हो चुका है, जिसने जेल में बड़ा कांड करने की धमकी भी दी थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने इसे छोटा नहीं समझा। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने भौंसी जेल में बड़ा कांड करने की कथित धमकी देने के आरोप में अब इसी जेल में पहले से गिरफ्तार डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के बेटे रवि आनंद उर्फ चौटाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता सुभाष मौकर ने शनिवार को बताया था कि रवि ने भौंसी जेल में कोई बड़ा कांड करने की सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। पुलिस ने इससे पहले जेल में कैदियों को मादक पदार्थ, मोबाइल फोन और सिम कार्ड मुहैया कराने के आरोप में महेंद्र चौटाला को गत 23 जुलाई को जेल के परिसर में स्थित उसके घर में गिरफ्तार किया था। यहीं से पुलिस को उसके एक साथी रवि उर्फ गोल्डी को भी गिरफ्तार किया था। घर की तलाशी लिए जाने के बाद पुलिस को वहां से 11 सिम और 230 ग्राम चरस भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने महेंद्र से पूछताछ की और जेल में छापा मार कर वहां बंद कैदियों से 12 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 11 बैटरियां भी बरामद की। यह खेल कोई साधारण नहीं था। जेल में 10,000 रुपये में सिगरेट और 1,25,000 रुपये में मोबाइल बेचे जाते थे। पिता की गिरफ्तारी के बाद रवि चौटाला ने सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज वायरल कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल में कोई बड़ा कांड करने की और देख लेने की धमकी दी थी। उसने यहां तक भी कह दिया था कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सारे गैंगस्टर उसके संपर्क में हैं। गुरुग्राम जेल में उसके पिता की बेइज्जती बहुत हुई है। व्हाट्सएप पर वायरल इस मैसेज के बारे में एक मुखबिर ने जेल सहायक अधीक्षक संजय कुमार को अवगत कराया। पुलिस ने इस पर तुरंत हरकत में आते हुए मामला दर्ज कर रवि आनंद उर्फ चौटाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में रवि ने बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऐसे ही वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर दी थी। उसके बाद ऑडियो दोस्तों के माध्यम से वायरल होते हुए जेल अधिकारियों तक पहुंच गया। हालांकि उसने यह ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फ़ोन के बाद डिलीट कर दी थी, लेकिन जैसे ही यह ऑडियो वायरल हुआ आनंद उर्फ चौटाला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जेल मंत्री, ने भी अपने खास बयान दिए हैं। उन्होंने भी कई बातें स्पष्ट की है। आइए देखते हैं ये खास वायरल वीडियो। पल पल गुरुग्राम से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार जेल के छोटे बड़े सारे अधिकारियों, मैं चौटाला साहब का बेटा रवि बात कर रहा हूँ। सारा मुलाजिम मैंने आगू आगे मैसेज कर दियो, आगे से आगे मैसेज कर देना कि अब कांस बदेगी, हमारी बागड़ी भाषा में आगे नहीं, अब कांस बदेगी और रोड़ो घोड़ो मोटो होना है गुड़गांव जेल पर, तो जगन आपकी बदली करानी है तो अब भी करवा लो, मेरा फादर की जमान तोड़ दो, फिर मैं सुपरिटेंडेंट देख लेंगा, डिप्टियां देख लेंगा, सराने देख लेंगा।
एक थे मेरे फादर की जमान तो आ जगह ना बदली करवानी है छोटा मोटा मतलब जी सारा सारा मैं आज जोड़ू सारा का मैं आज जोड़ू कहाँ से गनी मोटी होनी है अनिल सुपरिटेंडेंट हो मैं भी नहीं कौन बख्शो वो तो की चीज ही कौन ही मिंगो तो सीएम को सलाह कर मिंगो धर्म भाई हो मैं बिंगी कांच काट दी वो तो की कोई नहीं वो तो आपकी लुगाई कुटा है और की कौन करे रेंद्रियो तो देखा ना आपकी बदली करवानी है अपनी इस मुल्ला जी ने अपनी बदली करानी है अब भी आपकी बदली का ऑर्डर कर लो अब गुड़गांव जेल पर नहीं बहुत बड़ा कांड होना है ठीक है सारा गैंगस्टर है नहीं जगह मेरा सारा कॉन्टेक्ट में है ठीक है जी झूठ बोलूँ को नहीं हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली यूपी सारा गैंगस्टर मेरे कॉन्टेक्ट में है अब बैठा बहुत मोटा दंगो होना है गुड़गांव जेल पर मेरे बाप की बेइज्जती कर दी बहुत ज़्यादा ठीक है जी अब जो मुलाजिम आपकी बदली करा लेगा वो बच जाएगा नहीं तो अठे रहो ठीक कोने जी मैं पहला कहने लग रहा हूँ फिर के ठीक है फिर या ऐसे मत बोलना कि ये तो फुक्का फायर है फुक्का फायर जमा ही कोनी मैं दिखाऊंगा के हुआ कहानी ठीक है जी सारा ना नमस्कार राम राम जी उनके बेटे का एक ऑडियो कल रात वायरल हुआ उस ऑडियो के अंदर बड़े गैंगस्टर्स के साथ संबंध होने की बात जो है वो उनके बेटे कर रहे हैं हालांकि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जिस तरीके का थ्रेट उन्होंने जेल को लेकर के और बड़े गैंगस्टर्स को लेकर के दिया है उस पर आप क्या संज्ञान लेंगे देखिए मैं कह रहा हूँ एक बचकाना हरकत है जब उसके फादर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे अगर ऐसी कुछ बात थी तो उनके नोटिस में आता अब जो पब्लिकली वायरल कर रहे हैं इसका मतलब कि उनके खिलाफ जो एक्शन हो गया उससे तकलीफ हुई है उसमें ये बातें कर रहे हैं उन्हें फिर सामने वाले पे एलिगेशन को अपना एलिगेशन ख़त्म करने के लिए कहीं कोई बात नहीं हर तरीके से सर आज तक कभी हरियाणा की जेलों में नहीं आया ना कभी कोई दीवार के ऊपर से गया ना कोई बाहर निकल के इनकाउंटर हुआ ना कोई सुरंग का मामला हुआ एक आधा मोबाइल मूवी लहे हुआ जब हम इतने बार अलर्ट हैं कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर से ये सब ऑपरेट हो रहा है हमने उसी दिन 6 घंटे में सब कार्रवाई कर दी उन्हें अरेस्ट कर दिए जुडिशियल कस्टडी में दे दिया और उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया का ये बेटे का देखिए चलो उसका अब उसके बाद एक लॉ का अपना काम है वो अपने तरीके से एक्शन होगा कोई बात वायरल हुई है इस पर DGP एक्शन लेंगे रिपोर्ट मेरे पे आएगी तब मैं देखूंगा होम सेक्रेटरी के बीच में सब देखेंगे कोई बात नहीं हर जगह पहले से मुस्तैदी से कोई दिक्कत हुई नहीं आज तक कोई घटना ही नहीं हुई मैं आपसे वही बता रहा हूँ और कहीं कहीं आपको कोई इनपुट ऐसा आ रहा है तो बताइए मैं तुरंत कम कार्रवाई कर लेंगे कोई कुछ भी नहीं होगा निश्चित रहें कुछ नहीं होने का देखिए उस पर सब सेक्शन लगा के उस पर केस बना दी कि अब कोर्ट है क्या डिसाइड करे हमने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया हमारा जो काम था वो कर दिया अब आगे जब कोई विटनेसेस जाएंगे कोई गवाहियाँ होंगी तो जो जेल में कंसर्न आदमी है वो गवाहियाँ देंगे ये हमें कुछ दिन से इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जेल में बाहर से नशीला पदार्थ और सिम वगैरह सप्लाई करते जिस पे हम नज़र बनाए हुए थे और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें कुछ जेल के अधिकारी भी शामिल हैं इस सारे उसमें हमने तैयारी करके और आज उनका पीछा किया तो पीछा करने पे जो आदमी था वो नशीला पदार्थ लेके और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के घर पे पहुंचा और उसको सिम और वो नशीला पदार्थ हवाले किया जिस पे हमने उसको रेड करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको हमने कब्जे में लेके और उसको गिरफ्तार कर लिया कौन था सर ये दूसरा शख्स और कब से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे सर इसका नाम रवि है और रवि उर्फ गोल्डी ये पीछे से लखनऊ का रहने वाला है और अब यहाँ पे वजीराबाद में किराए पे रह रहा था और ये और किसी से लेके आया था और वो उसका सोर्स क्या है कहाँ से चली थी कहाँ तक जानी थी इसकी भी हम पूरी तहकीकात
पूछताछ कर रहे हैं। कैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नज़दीक में आया, क्या कुछ पता लग पाया सर इसका? अभी की रिसेंटली ये बातें हैं, अभी तो उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, तो इतनी जल्दी पूछताछ में बाद में जो भी चीज़ें सामने आएंगी जब भी बता। ये भी सामने आया था कि जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इस तरह के पहले भी मामले जो है सामने दर्ज किए गए? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जेल सुपरिटेंडेंट नहीं थे, ये डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट थे और इनके खिलाफ हम पता कर रहे हैं प्रीवियस रिकॉर्ड इनका, लेकिन ये पता चला है कि एक बार ये किसी आरोप के कारण डिसमिस हो गए थे लेकिन फिर वापस सर्विस में आ गए, तो अभी इनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाए। अच्छा सर, ये भी क्या कुछ पता लग पाया कि जेल में किस किस को ये सप्लाई कर चुके हैं मोबाइल सिम या फिर नशीला पदार्थ? अभी मैंने बताया ना, अभी तो उस पर कार्रवाई चल ही रही है, तो इतनी जल्दी ये कह पाना संभव नहीं है, लेकिन हम उसकी पूरी गहराई से जाएंगे और पूरी जांच करेंगे कि ये किस किस को कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और कितने दिन से ये नेक्सस चल रहा है। ठीक है सर। ये हमें कुछ दिन से इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जेल में बाहर से नशीला पदार्थ और सिम वगैरह सप्लाई करते हैं, जिस पे हम नज़र बनाए हुए थे, और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें कुछ जेल के अधिकारी भी शामिल हैं। इस सारे उसमें हमने तैयारी करके और आज उनका पीछा किया, तो पीछा करने पे जो आदमी था वो नशीला पदार्थ लेके और जेल डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के घर पे पहुंचा और उसको सिम और वो नशीला पदार्थ हवाले किया, जिस पे हमने उसको रेड करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको हमने कब्जे में लेके और उसको गिरफ्तार कर लिया। कौन था सर ये दूसरा शख्स और कब से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे सर? इसका नाम रवि है और रवि उर्फ गोल्डी, ये पीछे से लखनऊ का रहने वाला है और अब यहाँ पे वजीराबाद में किराए पे रह रहा था, और ये और किसी से लेके आया था और वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से चली थी, कहाँ तक जानी थी, इसकी भी हम पूरी तहकीकात पूछताछ कर रहे हैं। कैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नज़दीक में आया, क्या कुछ पता लग पाया सर इसका? अभी की रिसेंटली ये बातें हैं, अभी तो उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, तो इतनी जल्दी पूछताछ में बाद में जो भी चीज़ें सामने आएंगी जब भी बता। ये भी सामने आया था कि जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इस तरह के पहले भी मामले जो है सामने दर्ज किए गए? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जेल सुपरिटेंडेंट नहीं थे, ये डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट थे और इनके खिलाफ हम पता कर रहे हैं प्रीवियस रिकॉर्ड इनका, लेकिन ये पता चला है कि एक बार ये किसी आरोप के कारण डिसमिस हो गए थे लेकिन फिर वापस सर्विस में आ गए, तो अभी इनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाए। अच्छा सर, ये भी क्या कुछ पता लग पाया कि जेल में किस किस को ये सप्लाई कर चुके हैं मोबाइल सिम या फिर नशीला पदार्थ? अभी मैंने बताया ना, अभी तो उस पर कार्रवाई चल ही रही है, तो इतनी जल्दी ये कह पाना संभव नहीं है, लेकिन हम उसकी पूरी गहराई से जाएंगे और पूरी जांच करेंगे कि ये किस किस को कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और कितने दिन से ये नेक्सस चल रहा है। ठीक है सर।